हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल से आई हुई है। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, सारा कुछ देखेंगे। ये जो है ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, ये वो एडवर्टीज़मेंट है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ भी चलकर हम देख लेंगे। तो पहले ये नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसी देखिए, एप्लीकेशंस इनवाइटेड फ्रॉम वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट टीचर्स विद मिनिमम 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल विद एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे आपको 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग फील्ड में। यहाँ पे PGT के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, FMM, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो है ना सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। किसी किसी DPS में सैलरी थोड़ी कम मिलती है, पर मोस्टली जो DPS होते हैं उसमें सैलरी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है और साथ ही में फैसिलिटीज़ भी सारी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। TGT जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, फिजिक्स, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, FMM, जापानीज़, फ्रेंच, जनरल स्पेनिश एंड फाइन आर्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। PRT में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, वेस्टर्न म्यूजिक, डांस, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स के लिए है। तो मैक्सिमम सारे ही सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं PGT में, TGT में, PRT में। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं खुद जुड़ी हुई थी DPS से, मैंने खुद जॉब की है DPS में। तो उसमें एक जो है ना अलग ही पर्सनालिटी डेवलप होता है टीचर्स की। उसमें जो टीचर्स पढ़ा कर निकलती हैं या और उसके अलावा और कहीं भी अप्लाई करती हैं, जब वो यहाँ से पढ़ा कर निकलती हैं तो एक अलग पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो इवन मैं रियलिटी बता रही हूँ, जितना डेवलपमेंट आपका गवर्नमेंट स्कूल में की टीचर्स में आपको नहीं दिखेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उतना आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल हुआ, GD गोयनका हुआ, इन सब में आपके ऊपर ना सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको अगर इन सब स्कूल्स में मौका मिले ना तो आप ज़रूर भले ही कुछ ही दिन के लिए करिए पर इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए अगर आपके पास टाइम हो। अगर आप जैसे प्राइवेट में कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप इस तरीके के स्कूल्स में एक बार ज़रूर ज्वाइन करें 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, मतलब एक सेशन कंप्लीट ज़रूर करिए ताकि उससे आपको खुद ही बहुत अच्छा आपको खुद समझ में आएगा जब आप करेंगे तो जॉब टीचर्स। एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो है टीचर्स एंड को टीचर्स एंड एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल के लिए रिक्रूटमेंट है। बास्केटबॉल कोच, बैडमिंटन कोच, टेबल टेनिस कोच, फुटबॉल कोच एंड क्रिकेट कोच के लिए रिक्रूटमेंट है। स्विमिंग कोच के लिए भी है। इसके अलावा लाइफ गार्ड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। सैलरीज एज़ पर द DPS सोसाइटी, देखिए यहाँ पे DPS सोसाइटी के अकॉर्डिंग सैलरी होगी तो इसका मतलब सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। डाउनलोडेड एप्लीकेशंस फॉर्म्स आर टू बी सबमिटेड विद इन 10 डेज। तो ये वैकेंसी आज ही निकली हुई है, आज 9 तारीख है तो आज ही निकली हुई है वैकेंसी। तो इसमें विद इन 7-10 डेज के अंदर आप इसमें 2 तरीके से अप्लाई करना है, डाउनलोड करके एप्लीकेशन ऑफलाइन में जाके स्कूल में सबमिट करना है और इसके अलावा डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे भी मैं चलूँगी। देखिए ये वैकेंसी जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा की रिक्रूटमेंट है, ग्रेटर नोएडा की रिक्रूटमेंट है ये। और ये जो है वेस्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क। और ये सेशन ऑफ 2023-24 के लिए रिक्रूटमेंट है। अब चलते हैं वेबसाइट पे, वहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और अप्लाई करना है या फिर आपको ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है, कोई फ़ी है या नहीं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ वेबसाइट पे। आप dpskpv.com पे जब जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऐसे डॉट्स बने हैं,
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर आएगा ये करियर का। जब आप ये एरो क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसी शो होंगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देन आपको ओपन हो करके पूरी वैकेंसी शेयर होगी। तो यहाँ पर आप वैकेंसीज में जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होकर आएगा। ये देखिए पूरा जो मैंने पब्लिश हुई है ना एडवर्टीजमेंट, वो पूरी इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही वैकेंसीज आई हुई हैं सारी। उसके लिए सारी पोस्ट सेम है। यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड स्किल्स दिया है, एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश, एक्सेलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड गुड कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए। इसके अलावा सैलरी एज पर DPS सोसाइटी रूल्स, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो फिलअप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। नीचे लिंक दी हुई है, मैं भी उसे भी दिखाऊंगी। यहाँ पे काइंडली 200 एज द रजिस्टर फी लगेगी, आपको पे करने होंगे। अच्छा यहाँ पे वंस द एप्लीकेशन इज़ ड्यूली सबमिटेड यू विल रिसीव अ SMS नोटिस नोटिफिकेशन। तो जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको आपको नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही यहाँ पर इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑनलाइन दिया हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहीं पर आज आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म ओपन होकर के आएगा। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस में आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा एंड आपको फॉर्म फिल करके और ये इस एड्रेस पे आपको देना होगा। ठीक है, इसके अलावा अटैच डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी होगी 200 रुपीज़ की, जो कि DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉलेज पार्क 5 पेबल टू नोएडा ग्रेटर नोएडा दिल्ली। ठीक है, डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड विद इन 10 डेज दिस एड्रेस एंड कंप्लीट एप्लीकेशन विल बी इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशंस होंगे वो रिजेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, आप फॉर्म बहुत ही क्लियरली भरिए समझ के। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो है लिंक है जिसे मैंने क्लिक किया है। इस तरीके से ओपन होकर के आएगा और यहाँ पर आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे एंड ये सारी डिटेल्स और यहाँ पर नीचे आपको सबमिट करना होगा पूरा फॉर्म। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस किया है आपने तो आपके पास जो सैलरी होगी उसे भी आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। कोई रेफरेंस है आपके तो वो भी आप इसमें मेंशन करें। इसके अलावा अपलोड रिज्यूमे, आपका जो लेटेस्ट रिज्यूमे है उसे आपको यहाँ पर अटैच करना होगा यहाँ पे, और आई अग्री पे सबमिट करके यहाँ पे सबमिट करना होगा कैप्चा फिल करके। तो ये पूरा फॉर्म फिल करने का मैंने प्रोसेस समझा दिया है आपको। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।